नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टेक्निकल जुगाड़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं एक पासवर्ड सिक्योरिटी सिस्टम। तो दोस्तों इस पासवर्ड सिक्योरिटी सिस्टम की मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं और दोस्तों हमारी मर्जी के बिना हाँ इसको कोई दूसरा ऑन ऑफ नहीं कर सकेगा। जब तक किसी को पासवर्ड पता न चले तब तक किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को चालू या बंद नहीं किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आज हम इसको बनाना सीख लेते हैं और देख लेंगे कि इसको हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगने वाले हैं। तो दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक हमें जीरो पीसीबी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके ऊपर हमें इन सभी कंपोनेंट्स को सोल्डरिंग करके इस सर्किट को बनाएंगे। और इसके लिए एक 5 वोल्टेज का रिले चाहिएगा और साथ ही में जो माइक्रो स्विच आते हैं, ये माइक्रो मिनी पुश स्विच है, तो 10 ऐसे स्विच की ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों। और इसको कंट्रोल करने के लिए एक आईसी की ज़रूरत भी पड़ने वाली है, जिसका नंबर आप लोग देख सकते हैं CD4017BE। और एक ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी BC548, 4 डायोड IN4007, 1 1K का रेसिस्टर और 200 kΩ के रेसिस्टर। तो चलिए दोस्तों इसको बना लेते हैं। तो दोस्तों हम इसको इलेक्ट्रिक अप्लायंस के अलावा भी और कहीं पर भी यूज ले सकते हैं, जैसे डूल लॉक और सेफ लॉक आदि में इसको काम में ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं इन सभी कंपोनेंट्स को हमारी इस पीसीबी पर सोल्डरिंग कर लेता हूं और फिर इसके कनेक्शनों को आपको बताऊँगा कैसे करने हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने पीसीबी पर सभी कंपोनेंट्स को सोल्डरिंग कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो हमने इसको अच्छी तरीके से सोल्डरिंग कर लिया है। तो चलिए अब इन सभी के कनेक्शनों को भी कर लेते हैं और फिर हमारे इस पासवर्ड सिक्योरिटी लॉक को चेक करके देख लेंगे। तो दोस्तों मैं इसमें 4 अंकों का पासवर्ड सेट करूँगा। हम इसमें 3 से लेकर 9 अंकों तक का पासवर्ड सेट कर सकते हैं, तो अभी तो मैं केवल 4 अंकों का पासवर्ड सेट करूँगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इसके कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हमारी आईसी है, तो आईसी की जो ये निशान है इसके इस साइड से इसकी पिनों को हम गिनते हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक से होकर यहाँ तक 8 पिन है
और फिर यही से 9 और यहाँ पर ये 16। तो दोस्तों इसकी 8 नंबर पिन इसकी नेगेटिव पिन होती है और 16 नंबर इसकी पॉजिटिव पिन होती है। और दोस्तों ये BC548 है, तो आप लोग इसकी भी पिनों को आप देख सकते हैं। इसकी जो पहली नंबर की पिन होती है ये कलेक्टर पिन होती है, बीच की बेस और तीसरे नंबर की जो एमीटर वाली पिन होती है। तो चलिए दोस्तों मैं इन सभी के कनेक्शनों को कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं कनेक्शनों को आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए आप इसका सर्किट डायग्राम देख लीजिएगा, उसकी मदद से आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में इसका सर्किट डायग्राम दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख कर आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मैं पहले इसके कनेक्शनों को कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमने इसके सभी कनेक्शनों को कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे वायर्स लगे हैं। तो हमने इस सर्किट को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए दोस्तों अब केवल इसको टेस्ट करने की बारी है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इसके जो वायर है उसको किस प्रकार से कनेक्ट किया है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो मैंने इसी सर्किट डायग्राम की मदद से हमारा जो ये पासवर्ड सिक्योरिटी लॉक है उसको बनाया है। आप लोग देख सकते हैं सेम इसी सर्किट के आधार पर हमने इस सर्किट को बनाया है। तो दोस्तों आप इस डायग्राम की मदद से इस सर्किट को बना सकते हैं और आसानी से कहीं पर भी इसको लगाकर अपने कंपोनेंट्स को पासवर्ड की सहायता से चालू बंद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसको अब चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं इस सर्किट डायग्राम को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इस सर्किट को बना सकते हैं। तो दोस्तों हम इसमें 5 वोल्टेज से लेकर 12 वोल्टेज तक का पावर दे सकते हैं। तो चलिए पहले मैं अपनी 3.7 वाली वोल्ट बैटरी से इसको चलाकर देख लेता हूं। तो दोस्तों ये 3.7 वोल्टेज से भी चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसमें कनेक्शन कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए दोस्तों हमने पूरा सेटअप कंप्लीट कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके वायर्स को जो बैटरी में लगा दिया है और यहाँ पर मैंने एक 12 वोल्ट की बैटरी ली है और एक एलईडी ली है जिसको हमने रिले के थ्रू लगाया है। तो जैसे ही हम इसमें सही पासवर्ड लगाएंगे तो ये हमारी एलईडी ग्लो करने लग जाएगी, और अगर इसमें सही पासवर्ड नहीं लगेगा तब तक ये हमारी एलईडी ग्लो नहीं होगी। तो दोस्तों हमारी इस पासवर्ड सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर मैंने मेरा पासवर्ड रखा है 4590। तो आप लोग देख सकते हैं 4590 से अगर मैं इसको ओपन करूंगा तभी ये हमारी एलईडी ऑन होगी, अन्यथा ये ऑन नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों मैं पहले अलग अलग बटन आपको दबा कर दिखा देता हूं कि ये ऑन नहीं हो रही है। ये देखिए दोस्तों कैसे भी ये ऑन नहीं हो रही है। और जब मैं इसमें सही पासवर्ड लगाऊंगा 4590 तो हमारी ये जो एलईडी है वो ग्लो करने लग जाएगी। तो चलिए मैं अभी इसमें सही पासवर्ड लगाकर आपको चेक करा के दिखा देता हूँ। तो आप लोग देखिए 4, 5, 9 और 0। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारी एलईडी ग्लो करने लग गई है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और उसको पासवर्ड की सहायता से चालू या बंद कर सकते हैं। जब तक हमारा पासवर्ड सिक्योर है तब तक इसको कोई नहीं चला पाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।